Okay, so these are the rotary pump and diffusion pump. So rotary pump looks like something like this. So here, there is an electrical part. Electrical part meaning there is a motor inside this, which is used to move something inside this. So this part is known as a stator part. ये स्टेटर पूरा का पूरा ये केस है एक दिस इज अ केस इनसाइड दिस केस देयर आर मेनी थिंग्स क्या क्या चीजें हैं उसका मैं ब्लॉक डायग्राम आपको अलग से अभी दिखाऊंगा सो दिस इज बेसिकली अ केस ओके इन दिस केस देयर आर स्टेटर देयर इज अ रोटर देयर आर वेन्स एंड देयर इज अ फ्लूइड ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर रहती है ये जो वेन्स होते हैं ये स्प्रिंग लोडेड वेन्स होते हैं ऐसे दो वेन्स होंगे इन दो वेन्स के बीच में स्प्रिंग रहता है तो इनकी अगर कहीं कम जगह है तो जैसे मान लिया जाए ये ऐसे किसी सर्किल के अंदर है सर्किल के अंदर और इन वेन्स को रोटेट होना है रोटेट कौन कराएगा इलेक्ट्रिकल पार्ट मोटर अब इनको रोटेट होना है तो ये एसेंट्रिकली प्लेस्ड होते हैं ये एक सर्किल में जैसे ये एक सर्किल है तो सर्किल में इस जगह के पास प्लेस्ड होते हैं वेन्स ओके तो ये जब ये मूव करते हैं तो इन दोनों के बीच में यहां पे देयर इज ए स्प्रिंग सो बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द वेन्स कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड ओके ये सारी चीजें इस केस के अंदर होती हैं हाउ डज इट वर्क आई विल शो यू दिस इज ए रोटरी पंप व्हाट अबाउट द डिफ्यूजन पंप डिफ्यूजन पंप में ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन है इलेक्ट्रिकल पोर्शन बट हेयर देयर इज नो मोटर हेयर ओनली इलेक्ट्रिकल पार्ट इज ए हीटर सॉरी ओनली इलेक्ट्रिकल पार्ट इज ए हीटर सो हेयर वी हैव ए हीटर देन दिस बॉक्स कंटेन्स द ऑयल यहां पे आपका ऑयल होता है So this oil get heated by the heater till its boiling point. जब तक कि boiling point तक heat नहीं हो जाता, heater heat करता रहता है इसको. And boiling point तक heat होने के बाद, this oil get converted into vapors. Vapors. ये vapors में convert हो जाता है. And then this portion is known as jet assembly. यहाँ पे एक जेट असेंबली होती है इन दैट जेट असेंबली देर आर नोजल्स है ना वो क्या होंगी उसके अंदर कैसा होगा उसका ब्लॉक डायग्राम आई विल शो यू नो प्रॉब्लम है ना नोजल्स में से कैसे ऑयल्स निकलेगा कैसे वेपर्स निकलेंगी कैसे प्रेशर क्रिएट करेगा दैट वी विल सी बट ये ऊपर से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि यस जब भी हम कभी डिफ्यूजन पंप देखें तो हमें समझ में आ जाए कि यस ये वो जेट असेंबली है जिस जेट असेंबली के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे दूसरी नोजल ऐसे जेट असेंबली ये होती है तो यहां से ऑयल की वेपर जाती है और वो ऑयल की वेपर इन जेट असेंबलीज में से यहाँ नोजल्स में से बहुत ही हाई स्पीड सुपरसोनिक स्पीड ये इस स्पीड से यहाँ से निकलती हैं निकल के कैसे प्रेशर क्रिएट करती हैं दैट वी विल सी बट ये चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए ऐसे ही रोटरी पंप में दिस पोर्शन इज इलेक्ट्रिकल पार्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी यहाँ पे मोटर घूमेगी वो मोटर इसके अंदर रोटर को रोटेट कराएगी ये इस पार्ट का काम है इस पार्ट में कैसे काम करता है दैट वी विल सी यहाँ पे एक आउटलेट है ये लगा हुआ है आउटलेट हर पंप के अंदर एक आउटलेट होता है सो दिस इज योर आउटलेट एंड देयर इज वन इनलेट सो ये जो बेलो लगी हुई है ये बेलो डायरेक्टली चैम्बर से कनेक्ट हो रही है This is inlet. Okay, this is inlet. So inlet is always connected with the chamber through bellow, and there is a outlet. So यहाँ से air को आना है, air को इस portion के अंदर
whatever the assembly is there, the air should get removed from this portion to this portion. Then only the pressure will be created. Then only the vacuum will be created inside the chamber. Otherwise, not. Okay. So this is overview of rotary pump and diffusion pump. Now let me go inside the rotary pump. What is that? What is inside the rotary pump? Okay. So this is the inside picture, model picture of that rotary pump. So in this particular case, what is there? So there is a vane. So these are known as vanes. ये एक blade की तरह होते हैं. They are vanes, है ना? Simple ये simple एक ceramics की ऐसे vanes होते हैं. Simple ceramics के vanes ऐसे. दो ऐसे pieces होते हैं. Vanes मतलब दो blades होते हैं. And they are loaded with the spring. उनके बीच में spring होता है because if you wanted to adjust their lengths depending upon the volume inside the case, they can be adjusted because I told you they are eccentrically placed inside this case. Ye pura ka pura ho gaya aapka stator. Isko agar main aise close kar dun, so this is your stator. Hai na? Ye static hai. Ye static hai. It does not move. The only portion which moves is this vanes. This vanes is moved by this electrical motor. Okay, this is rotor. When the vanes moves, rotor also rotate. That is why the name of the pump is rotary pump. Rotary pump, because rotary meaning rotation. Rotation of what? Rotor. How? With the vane. How the vane get moved? By the electrical pump, by the electrical motor. Okay. What happens is there are four stages in this case. यहाँ पे चार situations आती हैं. There are four situations. Number one is introduction. Induction meaning. Number one is induction. Induction meaning the volume of chamber is connected with this portion. ये आपका inlet है. Inlet पे क्या हुआ कि the rotor is at such a place, rotor ऐसी जगह पे है where this volume of the rotor or of the case or of the stator is get connected with the chamber. Okay. And then the stage second is what? Stage second is isolation. So rotor, this vanes are at such a place where they isolate this volume from the chamber. You can see now the stator is here and the chamber is here. So in the very first stage, the chamber get connected with this. With the stator, you can say. इस पूरी assembly का नाम है stator, which is kept statically. वो static है. Okay. So in the second stage, since the rotor is at the place where it get isolation between the chamber and the stator. Okay. So now whatever the volume of the chamber was connected get isolated. So definitely. Now this is isolated and the new volume of the chamber is get induction here. Okay, so at the third stage you can see that now the new volume is get connected here. Meaning kya? Meaning ye ki har bar new volume. Volume meaning what? Jab aap ek naya volume create karte chale jaoge, so definitely it will take some air from the chamber, and every time this air will get isolated from the chamber. And every time this isolated air, rotator की position ऐसी हो जाएगी third time पे कि the volume was created was large, but now that volume, since the position of the rotor is such that now this volume get compressed here. यहाँ पे उतना volume नहीं है, जितना volume ये था वो यहाँ पे आके compressed हो गया. So there is a high pressure here. Because of this high pressure, this inlet is opened.
यहाँ पे एक स्प्रिंग लोडेड इनलेट लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर दिस गेट ओपन है ना, जब ये ओपन हो गया सो देन दिस कैन बी रिमूव्ड, देन दिस कैन बी, दिस एयर कैन बी रिमूव्ड, दिस इज हाउ द रोटरी पंप वर्क्स। ओके सो देयर आर फोर स्टेजेस, इंडक्शन, आइसोलेशन, कंप्रेशन एंड देन फाइनली एग्जॉस्ट। सो एवरी टाइम दिस रोटर व्हेन इट मूव्स इट टेक्स सम वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर, गेट कंप्रेस्ड हियर एंड देन फाइनली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द आउटलेट। This is how the rotary pump works. So हर वक्त हर मूवमेंट में ये कुछ ना कुछ एयर वॉल्यूम की चैम्बर से लेगा एंड इसको कंप्रेस करेगा एंड देन इसको फाइनली आइसोलेट कर देगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एक तो ये हमने ऐसा क्यों लगाया एग्जॉस्ट स्प्रिंग लोडेड, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कोई भी बैक फ्लो हो। We don't want that there should be a backflow from the outlet. Outlet से ये ना हो कि यहाँ से air अंदर enter कर रही है. So this has to be closed till the time we compress the chambered air here. और जैसे ही chamber air compressed हो जाती है fully, this should be open and only the air should come from the rotary pump, not into the rotary pump. Number one. Number two. When this rotor is moving, when this stator is moving, there has to be sealing here. There has to be sealing here. ये जब भी यहाँ से कोई ऐसा तो नहीं है compressed air इधर चली जा रही है. So there has to be sealing. And this sealing is done by oil only. Oil से ही ये sealing होती है. यहाँ पे oil रहता है पूरे में oil. Oil दो काम करता है. Number one sealing. एंड नंबर टू फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, बिकॉज ये सारे के सारे मूवेबल चीजें हैं, मूवेबल चीजों में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से देयर विल बी ए हीट जनरेटेड, सो उसको भी रिमूव करता है फ्रिक्शन को। देयर आर टू थिंग्स द ऑयल डू इनसाइड दिस, ओके, और फ्रिक्शन की वजह से जो हीटिंग होती है उसके लिए इस पोर्शन में यहाँ बाहर की साइड कूलेंट्स भी लगाए जाते। तो जब आप ये कभी रोटरी पंप आपको खोलने का अगर मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड दैट हाउ दे आर प्लेस्ड। ओके नाउ व्हाट वी विल सी इज, वी विल सी द मॉडल ऑफ दिस, हाउ डज इट वर्क। सो यू कैन सी दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दीज आर द रोटर, दिस इज अ वेन, सो वेन ऑलवेज कंटिन्यू मूव्स लाइक दिस एंड वेन्स मूव्स लाइक दिस, इट क्रिएटिंग अ न्यू air, it's taking a new air here and when it taking back, taking to the atmosphere, है ना, ये air अपने atmosphere में, हर time ये एक बार open होगा, जब भी air यहाँ पे compressed होगी, ये open होगा और ये बाहर अपना सारी की सारी gas निकल जाएगी, so gas को backflow को रोकने के लिए इसको spring loaded यहाँ पे बना के रखते हैं। This is how a rotary pump works. So every time जैसे जैसे ये move कर रहा है, depending upon इसकी कितनी move, कितना इसका RPM है, you will get this. ये आप देख सकते हैं, ये जब इस जगह पे आता है तो इसकी लेंथ छोटी हो जाती है, जब ये ऐसे आता है तो इसकी लेंथ बड़ी होती है, एंड दैट कैन बी डन यूजिंग दीज स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग्स इसके अंदर लगे हुए हैं, इस स्प्रिंग्स के हिसाब से दिस विल, सो नाउ दिस ऑल्सो अगेन अ मॉडल शोइंग दिस, हियर द स्पीड इज हाई, so continuously it's moving like this, right? जो भी पिक्चर मिली है वो डाल दी है हमने आपके लिए, क्योंकि आप लैब में नहीं आ पा रहे हो तो कोशिश की गई। Now this is for your examination point of view, what you need to write if a brief introduction comes for a rotary pump, okay? So rotary vane pump is widely used pump in vacuum technology. ये roughing के लिए सबसे ज्यादा use होने वाला pump है, roughing vacuum create करने के लिए, या इसका काम है बैकिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ये दो कामों में बहुत ज्यादा यूज होता है, या तो रफिंग वैक्यूम के लिए या बैकिंग के लिए। इट इज मोस्टली यूज्ड एज ए प्राइमरी पंप फॉर बैकिंग और रफिंग स्टेजेस। ओके, इट फॉल्स अंडर गैस ट्रांसफर कैटेगरी,
with positive displacement characteristics. So what does it mean? एक तो गैस को ट्रांसफर करता है, एक प्लेस से उठाता है एंड दूसरे प्लेस पर लेके जाता है. सो इट्स फॉल्स अंडर गैस ट्रांसफर कैटेगरी. देयर आर मेनी कैटेगरी ऑफ द वैक्यूम पंप्स, है ना. सो ये जो पर्टिकुलर पंप है, दिस कम्स अंडर गैस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, गैस ट्रांसफर कैटेगरी विद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. डिस्प्लेसमेंट क्या, कि डिस्प्लेस कर दिया इसने गैस को, एक जगह से उठाया और दूसरी जगह, कुछ पॉजिटिव वॉल्यूम लेके. हर टाइम देयर इज अ पॉजिटिव वॉल्यूम इट्स टेकिंग एंड डिस्प्लेसिंग टू एग्जॉस्ट. दिस इज हाउ अ रोटरी पंप वर्क्स. सो अगर आपने फ्लो डायग्राम बनाना है रोटरी पंप का एग्जाम के अंदर, तो ये बनाना है. रोटरी पंप इज वैक्यूम पंप है ये, एंड इट्स वर्किंग ऑन ए गैस ट्रांसफर, इट्स वर्किंग ऑल्सो ऑन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, एंड देन दिस इज योर the rotary pumps comes under positive displacement and the gas transfer technology. ऐसे ही vacuum pumps की बहुत सारे flow होते हैं, कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि centrifugal techniques. बहुत से pump होते हैं centrifugal technique के ऊपर काम करते हैं, centrifugal technique, है ना. And molecular resin, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि molecular resin, ये molecular resin के अंदर काम करता है. And the pump name is let's say turbo molecular pump. टर्बो मॉलिक्यूलर पंप, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिजाइन में काम करता है तो टर्बो मॉलिक्यूलर पंप काम करता है. सेंट्रीफ्यूगल के उस पे तो सेंट्रीफ्यूगल. ये पंप वैक्यूम पंप गैस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, पावर डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी में रोटरी पंप काम करता है. ओके, द स्कीमेटिक ऑफ अ रोटरी वेन पंप इज शोन इन द फिगर. ये फिगर में आपको दिखाया गया है. ये आपने स्कीमेटिक जरूर बनाना है एग्जाम के अंदर, अगर रोटरी पंप आता है तो, है ना. सो दिस इज योर रोटर, ये रोटर आपने दिखा देना है. यहाँ पे आपने वेन्स दिखा देनी है, ये वेन्स है ना, ये वेन है अपने. ये स्टेटर पार्ट है, ये केस है एक, जिस केस के अंदर ये रखा हुआ है. ये जो ब्लू कलर का दिखा हुआ है ये कूलेंट है ना, ये कूलेंट है. ये इनलेट आपने जरूर एक दिखाना है इसके अंदर, एक आउटलेट आपने जरूर दिखाना है इसके अंदर, है ना. ये चीजें जरूर आपने. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी पार्ट स्टेटर. सो दिस इज कंप्लीटली स्टेटर, ये स्टेशनरी पार्ट है. एंड ए मूविंग पार्ट रोटर असेंबल्ड इनसाइड ए केसिंग. सो ये पूरा का पूरा एक केस के अंदर आपका असेंबल्ड है. मूविंग कंपोनेंट इज एन एसेंट्रिकली प्लेस्ड स्लॉटेड रोटर. दिस रोटर हैज टू बी प्लेस्ड असेंट्रिकली, है ना. तो ये असेंट्रिकली प्लेस्ड किया हुआ है रोटर. क्यों असेंट्रिकली प्लेस्ड किया हुआ है? बिकॉज यहाँ पे कुछ वॉल्यूम हमें क्रिएट करना है, कुछ वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए. अगर इसको सेंट्रिकली प्लेस नहीं करेंगे, सेंटर में प्लेस कर देंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये चारों तरफ से ओपन हो जाएगा, चारों तरफ से ओपन. सो एयर यहाँ से निकालोगे इधर से इधर घुस जाएगी, इधर से निकालोगे इधर घुस जाएगी. सो एक पॉइंट पे ये टच होना ही चाहिए और दूसरी पॉइंट पे देयर हैज टू बी सम वॉल्यूम फ्रॉम वेयर यू कैन रिमूव द एयर, you can displace the air. So that is why it is eccentrically placed slotted rotor which turns inside cylindrical stator. Na? So ye cylindrical stator ke andar move karta hai. Spring loaded sliding vanes are mounted in the slots of the rotor. So ye spring loaded jo aapki hai, main ek minute delete kar deta hu isko. Yes. So these are spring loaded. Ye jo aapke इलेक्ट्रिक मोटर एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड. सो ये रोटर को जो मूव करना है, तो ये बेसिकली ये जो आपके वेन्स हो गए ये मूव होंगे, ये अपने आप मूव होता रहेगा. सो नाउ दिस कैन बी मूव or this can be driven by a motor at a constant speed. So motor kahan lagi hui hai? Motor iske bilkul alag lagi hui hai. Motor iske samne, iske 3D view mein dekhen, to iske samne wale portions mein lagi hui hai. Yahan main barabar mein dikha raha hu. Electrical part. Due to the spring action, the rotor sliding vanes are in continuous contact with the stator walls. Hai na? Spring loaded hone ki wajah se, ye kya hai? Continue iske walls se touch hoke chalte. अदरवाइज क्या होगा, स्प्रिंग लोडेड नहीं होगी तो यहाँ पे एयर बच जाएगी, क्योंकि यहाँ की लेंथ कम है, यहाँ की लेंथ ज्यादा है, तो ये यहाँ तक ही रहेंगी. स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से दे विल बी कंटीन्यूअस इन टच विद द कांटेक्ट विद द स्टेटर वॉल ड्यूरिंग द रोटेशन. दिस रबिंग एक्शन जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, है ना. तो ये रबिंग एक्शन जो है ये हीट जनरेट करता है. द हीट इज डिसिपेटेड बाय सर्कुलेटिंग कूलेंट अराउंड द
स्टेटर, तो ये सारा का सारा आपका क्या है, कूलेंट है। तो आपने जब भी एग्जाम में ये आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग डाल देनी है, इनलेट नंबर वन, दिस वेन्स नंबर टू, स्रोटर नंबर थ्री, कूलेंट्स नंबर फोर, स्टेटर नंबर फाइव, केस नंबर सिक्स, सेवन नंबर आउटलेट, इस तरीके से आपने क्या करनी है वो डाल देनी है नंबरिंग, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग द नंबरिंग। नंबर वन इज इनलेट फ्रॉम वेयर वी कनेक्ट द चैम्बर टू द रोटरी पंप, कनेक्ट द चैम्बर टू द रोटरी पंप लाइक दिस, है ना, ऐसे आपने लिख लेना है। ओके, एयर इज ड्रॉन इन टू द पंप थ्रू एन इनलेट, जो मैं अभी आपको बता रहा था, तो ये एयर जो है ड्रॉन यहां से आती है बेसिकली इन टू द पंप, पंप के अंदर थ्रू एन इनलेट एंड इट इज कंप्रेस्ड, यही पूरे के पूरे रोटरी पंप की आपकी वर्किंग हो गई। एयर इज ड्रॉन इन टू द पंप थ्रू एन इनलेट एंड इट इज कंप्रेस्ड, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इट कैन बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द आउटलेट, स्प्रिंग लोडेड एग्जॉस्ट वॉल्व्स, तो ये जो अपना स्प्रिंग लोडेड एग्जॉस्ट वॉल्व है आउटलेट पे, ये जो वॉल्व है बेसिकली यूज टू एक्सपेल दिस कंप्रेस्ड एयर, ये कंप्रेस्ड एयर को बाहर भेजने के लिए होता है। दिस वॉल्व्स ऑपरेट्स ओनली एट ए प्रीसेट प्रेशर टू अवॉइड द बैक फ्लो, है ना, तो ये प्रीसेट प्रेशर फिक्स कर दिया है कि ओके जब इतना प्रेशर आएगा अंदर से देन ओनली दिस वॉल्व विल बी ओपन, अदरवाइज दिस वॉल्व विल नॉट बी ओपन बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ बैक फ्लो इनटू द रोटरी पंप। परफेक्ट सीलिंग इज मेंटेन्ड, ये जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे परफेक्ट सीलिंग चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, परफेक्ट सीलिंग बाय ए थिन फ्लूइड फिल्म, तो ये बेसिकली फिल्म कह दिया मतलब थिन फ्लूइड होना चाहिए, यहाँ पे फ्लूइड होना चाहिए, ये फ्लूइड जैसे हम ओरिंग से करते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड से करते हैं बेसिकली, एग्जिस्टिंग बिटवीन द मूविंग कॉन्टेक्ट्स, तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट्स जहाँ पे हैं यहाँ पे थिन फ्लूइड फिल्म किया जाती है, जो फिल्म की थिन फिल्म की फ्लूइड की जो वो आ गई वो इन चीजों से आपको सीलिंग करती है बेसिकली, यहां से एयर नहीं जाती। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ रोटरी पंप, है ना, तो ये आपने मतलब ऐसे रट्टी नहीं है चीजें, बस आपने समझ के लेनी है कि यस रोटरी पंप, अब पंप है काय के लिए है, एयर को रिमूव करने के लिए है। ओके, एयर को कैसे रिमूव करेंगे, air will come from the inlet, will get compressed and after compression it will be removed through the exhaust, that's it, bas itna sa yaad rakhna hai। ab kuch isme baatein kya ki outlet pe ek valve hai, spring loaded hai, uska ek preset pressure hai, backflow ko bachane ke liye hai, perfect sealing chahiye vanes mein hame, क्योंकि ये पूरा का पूरा रोटर जो है सेंट्रिकली प्लेस्ड है, तो वेन्स में हमें जो है वो चाहिए स्प्रिंग लोडेड वेन्स चाहिए, सो दैट द लेंथ कैन बी एडजस्टेड। एक स्टेटर है, सिंस फ्रिक्शन हो रहा है तो वहां पे कूलेंट चाहिए, ये सब चीजें वैसे पता होनी चाहिए, दैट्स इट। नाउ द सेकंड काइंड ऑफ ए पंप इज ए वैक्यूम पंप, सेकंड टाइम इज ए पंप ऑफ सॉरी डिफ्यूजन पंप, नॉट वैक्यूम पंप्स, वैक्यूम पंप्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, इट्स बेसिकली ए डिफ्यूजन पंप। ओके, ये डिफ्यूजन पंप यहाँ पे एक्चुअल में ये लगा हुआ है, इसके अंदर की असेंबली, ये एक्चुअल में लगा हुआ, इसके अंदर की असेंबली ये है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है, ये ऐसे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या दिख रहा है, ये ऐसे एक स्टील का, इसके ऊपर ये तो पेंट किया गया, पेंट करके यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड चीजें बनाई गई। ये मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में अंदर तक बता रहा हूँ कि ये आप अगर कभी आपका मन करे कभी भी लाइफ में कि ओके यार मुझे तो ये थिन फिल्म फैब्रिकेशन का बहुत अच्छा लगा था तो मैं थिन फिल्म फैब्रिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना शुरू करता हूँ, आप यकीन जानिए, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में ये चीजें अंदर तक बता रहा हूँ कि ये बनानी बहुत आसान है। जैसे ये पूरा का पूरा ये है, ये कुछ नहीं, हीटर क्या होता है, हीटर एक मॉलिब्डेनम की स्ट्रिप होती है, हीटर आपको जान के हैरानी होगी, हीटर इज नथिंग, जब आप लैब में आते तो मैं आपको दिखाता, मॉलिब्डेनम की एक स्ट्रिप ले लो ऐसे, दिस इज योर हीटर, ये हीटर है, दैट्स इट, बस कुछ नहीं करना, एक वायर लगानी है प्लग में से अपने 220 वोल्ट का जो अपने लाइट आती है वहां से एक प्लग लगाना है, प्लग में से दो वायर आएंगी, एक वायर को इस तरफ लगा दो, एक वायर को इस तरफ लगा दो, बन गया हीटर, दैट्स इट। हमें लगता है हीटर पता नहीं क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, सिर्फ एक मॉलिब्डेनम की स्ट्रिप, ये मैं आपको आज अब आपका जब भी लैब एक्सपेरिमेंट नंबर टू चलेगा मैं वहां दिखाऊंगा, हीटर मतलब क्या, एक स्प्रिंग, दैट्स इट, ये हीटर है, अब इस स्प्रिंग पे जैसे आप वोल्टेज लगाओगे इट विल बी हीटेड,
वो हीट करना शुरू कर देगा, वो पहले धीरे धीरे रेड होएगा, ग्लो होएगा, रेड होएगा, हीट होने लग जाएगा उससे। सो वो एक हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, जस्ट एक एक केस बनाया हुआ है, केस बस ऐसे, एक एक स्टील का, स्टील की एक बाउल ले लो, एक बाउल है ना ऐसे, बाउल ली हुई है, उसके अंदर यहाँ पे 1 लीटर ऑयल आ जाए, 1 लीटर ऑयल रखने की एक जगह प्लेस की हुई है, उसके ऊपर ये जो ये दिख रहा है स्प्रिंग, स्प्रिंग से दिख रहे हैं ऐसे घूमे हुए, यहाँ पे ये असेंबली है। ये क्या है, एक स्टेनलेस स्टील का ऐसे बॉक्स लिया हुआ है, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे होल किए हुए हैं, ऐसे ऐसे होल किए हुए, एक जेट असेंबली बनाई हुई है, जैसे अपना जेट होता है ना उसकी, उसी तरीके की बनाई हुई। That's right. ये आप नेट पे डाल के देखोगे तो इसके इंटरनल डायग्राम्स भी और भी ज्यादा मिल जाएंगे आपको कि किस तरीके का ये दिखता है। बस आपने जाके वहां पे किसी को ये बोलना है, जहां पे भी ये इसका काम होता है, तो उसको बोलना है कि हमें इस तरीके की असेंबली बनानी है, एक असेंबली बस नेट से निकाल के उसकी पिक्चर की, हमें इस तरीके की असेंबली बनानी है, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क, इट विल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वर्क, है ना। सो ये चीजें हैं, तो ये बहुत आसान है, लेकिन इनके कॉस्ट अगर आप देखेंगे, दो दो तीन तीन लाख रुपए के ये एक डिफ्यूजन पंप मिलते हैं, है ना। ये भी इंडिया मेड, जो अब इंडिया में लोग बनाने लग गए, कुछ बाहर वाले तो और महंगे हैं। तो ये चीजें हैं, इसमें बहुत आगे स्कोप है अगर आप कभी भी सोचते हैं इस बारे में, तो इसलिए मैं आपको ये इतनी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। नाउ हाउ डज इट वर्क, सबसे पहले बॉयलर एंड हीटर है जो, है ना, इससे क्या करना है, इससे ऑयल को हीट कर देना है। ऑयल को जब आप हीट कर देंगे तो क्या होगा, ऑयल के हीटिंग की वजह से ऑयल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑयल वेपर में कन्वर्ट होगा, द ऑयल विल बी हाई स्पीड जेट इज जनरेटेड। तो ये हाई स्पीड जेट जो है वो जनरेट हो जाएगी, बिकॉज ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर यहां से जाना शुरू कर देंगे, ये तीनों जगह ये जो बना रखी है, यहां से वेपर इधर ऊपर 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 बहुत स्पीड से, क्योंकि ये ऑयल ऑयल था, कंप्रेस्ड हुआ हुआ था, यहां से वेपर में बदला, तो वेपर बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेंगी, है ना। वेपर में तो बहुत पावर होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो किसी भी चीज को उठा सकती है, इतनी पावर होती है। अब आप कंटिन्यूअसली वेपर्स बना रहे हो, ये हाई स्पीड से यहाँ जा रही है, अब इनको स्मॉल नोजल्स मिल रही है, बहुत छोटी नोजल्स, अब इतनी हाई वॉल्यूम में हाई स्पीड से जाती हुई चीज, उसको एक छोटी सी नोजल्स मिले, सुपरसोनिक स्पीड से वो बाहर निकले, सुपरसोनिक स्पीड, ये जो है इस सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलती है। सो द हाई स्पीड जेट इज जनरेटेड बाय बॉइलिंग द फ्लूइड एंड डायरेक्टिंग द वेपर थ्रू ए जेट असेंबली। तो ये वेपर जो है ये जेट असेंबली से बाहर निकलती है। सो नॉट दैट व्हेन द ऑयल इज गैसियस व्हेन एंटरिंग द नोजल्स, है ना, तो ये गैसियस, ये ऑयल जो होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है जब ये नोजल से बाहर निकल रहा है। ओके, सो दिस इज अ सुपरसोनिक स्पीड, ऑफन सेवरल जेट्स आर यूज्ड, ये सेवरल जेट्स, ये हमारे कई सारी नोजल्स आर यूज्ड इन सीरीज, ये सीरीज में यूज्ड की जाती हैं टू इनहांस द पंपिंग एक्शन। सो पंपिंग एक्शन को इनहांस करने के लिए एक नहीं, तीन चार सीरीज में यूज की जाती है। ओके, होगा क्या, इससे कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, आपको पता है जब ट्रेन आती है, मैंने ये एग्जांपल पहले भी आपको दिया था, मान लो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, ट्रेन आई बहुत हाई स्पीड से, तो आप ट्रेन की तरफ गिरेंगे या ट्रेन के अपोजिट गिरेंगे, बताना तो वैसे किसी ने है ही नहीं, तो मुझे रुकना तो बेकार है पूछने के लिए, तो कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूँ, ट्रेन की तरफ गिरेंगे। क्यों ट्रेन की तरफ गिरेंगे, क्योंकि ट्रेन हाई स्पीड से आ रही है, जब ट्रेन हाई स्पीड से आ रही है तो ट्रेन यहाँ के पूरे प्रेशर को रिमूव करती हुई अपने साथ ले जा रही है, बहुत हाई स्पीड से आ रही है, सो व्हाटएवर द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर व्हिच आर क्रिएटिंग द प्रेशर, व्हिच आर क्रिएटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे विल बी रिमूव्ड बाय द हाई स्पीड ट्रेन, एंड व्हेन दे विल बी रिमूव्ड बाय द हाई स्पीड ट्रेन, द प्रेशर फ्रॉम द बैक साइड इज स्टिल कंटिन्यू इज स्टिल देयर। सो जो भी यहाँ पे खड़ा है उसको बैक साइड से एक पुश मिलेगा प्रेशर की वजह से, एंड वो प्रोबेबिलिटी आर हाई कि वो ट्रेन की तरफ गिरेगा जाके, है ना, क्योंकि पीछे से प्रेशर लग रहा है, साइड से लग रहा है, इस साइड से बराबर लग रहा है, सामने की साइड से प्रेशर हट गया। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ए हाई स्पीड ट्रेन, अ हाई स्पीड फ्लूड, ए हाई स्पीड वेपर्स आर कमिंग फ्रॉम द नोजल्स,
when the high speed vapors are coming from the nozzles, they are removing the pressure from this side. 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 If the pressure will be removed at this place, definitely a diffusion will take place towards this side. Diffusion kaha hota hai? Diffusion hota hai high concentration to low concentration. So jab aapka यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बचेगी नहीं, जब यहाँ पे पार्टिकल बचेंगे ही नहीं, दे विल बी रिमूव्ड बाय द हाई स्पीड दिस वेपर, डेफिनेटली द न्यू पार्टिकल विल कम हियर. अगेन द हाई स्पीड वेपर्स इज कमिंग, अगेन द न्यू पार्टिकल्स विल कम फ्रॉम द चैम्बर, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द चैम्बर. ये जो ऊपर लगा हुआ है ये चैम्बर से कनेक्टेड है. एंड ऑल द पार्टिकल विल बी at the downside and will be coming here. Why they will be coming here? Because here you require a backing pump. इसलिए वो backing line जरूरी होती है. I think now it will be clear to you. So when there will be a backing pump, so definitely that backing pump is attracting all the particle toward this side. क्योंकि वो यहाँ pressure create कर रहा है, वो यहाँ बिल्कुल pressure खत्म कर दे रहा है. जब उसने यहाँ pressure खत्म कर दिया तो particle का flow definitely इस side में होगा, high concentration to lower concentration. So this is how a diffusion pump works. Now that vapors, so these are water coiling coils, water cooling coils, है ना? So ये जो आपके ये जो coils लगी हुई हैं, ये गोल गोल, ये water cooling coils हैं. What it will do? So when the vapors are coming with the very high speed and they are hitting at the wall of the diffusion pump, this wall of the diffusion pump is cooled. ये cooled है ना? पूरी की पूरी ये cooled है. And if they are cooled, the vapors get condensed again into the oil and again they are in the boiler and again they are ready to make the vapors. This is how a diffusion pump work. So the outside of the diffusion pump is cooled using either airflow. Many people use airflow also. जो मेरे से शुरू वाले लेक्चर में कोई कह रहा था शायद कि सर वाटर की जगह वाटर में कोरोजन वगैरह के केसेस होंगे. सो मेनी पीपल यूज्ड एयर फ्लो, मेनी पीपल यूज वाटर लाइंस टू कूल दिस वेपर्स. ओके, एज द वेपर जेट, दिस वेपर जेट हिट्स द आउटर कूल्ड शेल ऑफ द डिफ्यूजन पंप, द वर्किंग फ्लूइड condensed, वो फिर से कंडेंस हो जाता है एंड इज रिकवर्ड, ये दोबारा यहाँ पे रिकवर्ड हो जाता है एंड डायरेक्टेड बैक टू द बॉयलर. ये बॉयलर में दोबारा आ जाता है एंड दोबारा वेपर बनने के लिए रेडी हो जाता है. द पम्प्ड गैसेस कंटिन्यू फ्लोइंग टू द बेस ऑफ द पंप एट इंक्रीज्ड प्रेशर, है ना? सो ये पंप्ड गैसेस जो है वो कंटिन्यू अपना फ्लो करती रहती हैं, फ्लोइंग आउट थ्रू द डिफ्यूजन पंप आउटलेट. तो ये यहां से अपना आउटलेट से बाहर निकलती जाती है. जो पंप्ड गैसेस आई, पंप्ड गैसेस मतलब जो हमारी चैम्बर से गैसेस आई, वो कंटिन्यूअसली बाहर निकलती जाती हैं. वेयर दे आर कंप्रेस्ड टू एम्बिएंट प्रेशर बाय द सेकेंडरी मैकेनिकल पंप. तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को एम्बिएंट प्रेशर तक ले जाके अपना रोटरी पंप के थ्रू बाहर निकाल देना है, कंप्रेस्ड करके. वही जो मैंने अभी दिखाया रोटरी पंप में, ये फाइनली इतना कंप्रेस्ड कर दिया जाएगा इस वॉल्यूम को कि दे विल ओपन द एग्जॉस्ट वॉल्व एंड दे विल मूव इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस इज हाउ अ डिफ्यूजन पंप वर्क्स. आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, बिकॉज आप लोगों ने तो बोलना ही नहीं है, कसम खा रखी है. सो मैं कैसे समझूंगा, है ना? फिजिकल क्लासेस में तो क्या होता है कि आई कांटेक्ट से भी थोड़ा पता. थैंक यू. चलो आप बोले. थैंक यू वेरी मच. अगर चीजें क्लियर हो गई, ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में बताई हैं बेटे, अदरवाइज नो नीड टू टेल इन सो मच ऑफ डिटेल्स, बिकॉज ऐसा लगेगा ये पूरी थ्योरी है. नो, बट ये पूरा प्रैक्टिकल है. ये चीजें आपको पता होनी, हर चीज इतनी डिटेल में पढ़नी चाहिए, सो दैट कभी हमें जब वो चीज हम देखें, मान लो हमने एमीटर देखा, मान लो हमने वोल्टमीटर देखा. अब अगर हमें यही नहीं पता कि वोल्टमीटर, हम ईसी के स्टूडेंट्स हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम सारे दिन करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, हम सारे दिन वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं,
हमें पता ही नहीं होगा ये चीजें कैसे काम करती हैं, सो गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने पूछ लिया ये मीटर यार करंट मेजर कैसे कर रहा है, एंड वी डू नॉट नो कि करंट कैसे मेजर हो रही है, उसके अंदर की असेंबली क्या है, क्या फायदा है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं कोई कंपनी नहीं कर रहा, हमें कोई कंपनी वाला प्लेस नहीं कर रहा, तो हम खुद की कंपनी कर सकें, हमारी कंपनी में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को प्लेस करवा सकें। हमें इतना इतना पोटेंशियल हमें होना चाहिए कि कोई बात नहीं हम नहीं प्लेस्ड हुए, लेकिन हम तो 1,000 लोगों को प्लेस कर रहे हैं, हम इतनी अपने पोटेंशियल रखते हैं। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है, एंड आई होप यू विल लाइक माई मोटिव। अभी नहीं हो सकता है, अभी तो ऐसा लगे कि नहीं ये क्या पता क्या चल रहा है, मे बी आफ्टर 5 years यू विल बी लाइकिंग दिस मोटिव, सो नो बट नो प्रॉब्लम। दिस वॉज अ डिफ्यूजन पंप, इसकी थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने बताई है वो लिखी हुई होगी। स्कीमेटिक ये है, इट कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर हाउसिंग ए ऑयल वेसल विद अ हीटर, ए चिमनी एंड ए नोजल। ये पूरी की पूरी को चिमनी बोल दिया जाता है। ऑन चैम्बर आउटर सर्फेस कूलिंग कॉइल्स आर देयर। दीज पंप्स आर मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑपरेटेड इन अ फ्री मॉलिक्यूलर रिजाइम। ये फ्री मॉलिक्यूलर रिजाइम मतलब ये जब वेपर बन के बाहर निकलती है तो फ्री मॉलिक्यूलर रिजाइम कहलाता है। इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन इट इज कपल्ड विद अ बैकिंग पंप, बैकिंग पंप के साथ ये कपल्ड होता है, ठीक है। द हीटर वेपराइज द ऑयल एंड दीज हॉट वेपर्स राइज इनटू द वेपर चिमनी। ये वेपर चिमनी में आती हैं, द हॉट वेपर्स आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं बाय द एनुलर नॉजल्स। ये यहाँ पे नॉजल्स लगी हुई हैं और जेट असेंबली कह लो माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी। ये टॉप ऑफ द चिमनी पे है, यहाँ पे ये ऐसे, तो इसमें एक दिखाई है तो ये सीरीज में दो दो तीन तीन भी लगी होती हैं। जब ये डाउन आती हैं तो दिस जेट मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ये एक जेट की तरह है, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स एट सुपरसोनिक स्पीड्स, इम्पार्ट्स मोमेंटम टू रेंडमली मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स इन द चैम्बर। तो ये मोमेंटम देके उनको नीचे ले जाता है, जैसे ही उनको नीचे ले जाता है यहाँ का प्रेशर खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ का प्रेशर खत्म हो जाता है न्यू गैस मॉलिक्यूल्स कम्स फ्रॉम द चैम्बर लाइक दिस। सो दिस मोमेंटम क्या है, ये deflects the molecules towards the pump outlet, okay? So इस तरीके से ये बेटे आप पढ़ लेना पूरा का पूरा, 9:36 हो गए, आपको नई क्लास भी अटेंड करनी होगी। So this was the diffusion pump, है ना? तो diffusion pump भी आप पढ़ लेना। Next lab में, हम next lecture में we will see कि अगर कभी vacuum के अंदर leak आ गया, मान लो कहीं से एयर अंदर एंटर कर रही है, हमने सारे पंप चला के रखे हुए हैं कंटिन्यूसली फॉर 3 hours बट द वैक्यूम इज नॉट कमिंग, How to find out the leak? कैसे leak को find out करना है? That we will see in the next lecture. Thank you, students. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, I am leaving the meeting. Okay. No doubt, then I am ending the meeting. Thanks.